हमारे सिवा ये काम कोई नहीं कर सकता है। सोना यही खोदो। तू नहीं बोला था ना उधर भूत पिशाच भटकते हैं? ये सब करने वाला मायावी आदमी कौन है? मायावी आदमी नहीं है महाराज, मायावी औरत है, आरती। ये जो आपने फिल्म का दृश्य देखा जिसमें एक भट ब्राह्मण क्षत्रिय को आदेश दे रहा है कि बुद्ध की प्रतिमा से सर उतार कर धड़ से नीचे गिरा दे, और वह ऐसे ही करता है, बुद्ध की प्रतिमा से सर उतार कर नीचे गिरा देता है, और उसके बाद जो अफरा तफरी मचती है, जो बवाल हो जाता है, इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि डायरेक्टर ने इस फिल्म के अंदर बौद्ध का इतिहास दिखाने की कोशिश की है कि भारत से कैसे बौद्ध धर्म को नष्ट किया गया, कैसे बौद्ध के अनुयायियों को यहाँ से पीट पीट कर खदेड़ा गया। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बीएच न्यूज नेटवर्क। चियान विक्रम और जाने माने क्रांतिकारी फिल्म डायरेक्टर पारंजीत की तंगलान फिल्म ने धमाल मचा कर रखा है। अब यह फिल्म आपको 6 सितंबर को हिंदी में देखने को भी मिलेगी। जानिए इस फिल्म की कहानी। पारंजीत की थंगालन में आपको असली केजीएफ की कहानी देखने को मिलेगी, उस केजीएफ की कहानी जिसे 121 साल तक खोदा गया और बदले में 800 टन सोना निकाला गया, वह सोना जिसके पीछे भारत के दलित और आदिवासियों ने खून पसीना बहाया, लेकिन इस देश को कभी उस सोने की शक्ल देखना नसीब नहीं हुआ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का एक बहुत फेमस कोट है कि द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज नथिंग बट ए मोर्टल कन्फ्लिक्ट बिटवीन बुद्धिज्म एंड ब्रह्मिज्म। हिंदी में कहे तो भारत का इतिहास और कुछ नहीं बल्कि बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद के बीच एक खूनी संघर्ष का इतिहास है। डायरेक्टर पारंजीत भी इस मूवी में यही खूनी संघर्ष दिखाने का प्रयास करते हैं। थंगालन के एक सीन का फोटो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें तथागत बुद्ध की मूर्ति के सामने एक राजा जैसा कोई आदमी और कुछ ब्राह्मण खड़े हैं, और दूसरे ही फ्रेम में तथागत बुद्ध की बिना सिर की खंडित मूर्ति दिख रही है। लग रहा है कि जैसे ब्राह्मणों के आदेश पर तथागत बुद्ध की मूर्ति का सिर काटा गया हो। अगर आप गौर करेंगे तो आप हजारों तस्वीरें देख सकेंगे जिसमें तथागत बुद्ध की मूर्ति से सिर गायब है। जब भी एक्टर विक्रम का नाम जुबान पर आता है तो जहन में वह कभी लिंगेंसन बनकर सामने आते हैं, तो कभी अपरिचित रेमो और अमी के रूप में दिखाई देते हैं। चियान विक्रम परफेक्शनिस्ट भी माने जाते हैं। विक्रम भारतीय सिनेमा के उन चुनिंदा कलाकारों में एक है जो अपनी फिल्म में प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। थंगालन में विक्रम ने एकदम खौफनाक आदिवासी का रोल प्ले किया है। कटा हुआ चेहरा जिसमें खून निकलता हुआ दिख रहा है, वहीं चेहरे पर लिपे हुए मिट्टी में सने चियान विक्रम का यह लुक किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। थंगालन में विक्रम की एक्टिंग की जमकर तारीफ हो रही है। आप चिन विक्रम की एक्टिंग के लिए भी इस फिल्म को देख सकते हैं। वहीं मालवी का मोहनन रहस्यमय शक्तियों वाली जादूगरनी और एक जनजाति के नेता की भूमिका निभा रही है जो चियान विक्रम से टकराती है। थंगला में मालविका की बस एक चीख आपको कंपा देंगी। पारंजीत बहुजन समाज के इतिहास और संघर्ष को बड़े पर्दे पर दिखाने के लिए जाने जाते हैं, और उन्होंने कबाली काला जैसी सुपरहिट फिल्में बनाई है। पारंजीत की फिल्मों में हमेशा हीरो दलित आदिवासी समाज से होता है। पारंजीत के बारे में कहते हैं कि वह एक पॉलिटिशियन है जो फिल्में बनाते हैं। रंजीत बहुत बोल्ड किस्म के व्यक्ति है जो बिना किसी डर के अपनी बात रखते हैं। अभी हाल ही में हुए बहुजन समाज पार्टी के तमिलनाडु अध्यक्ष के मर्डर पर वह खुलकर बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर अध्यक्ष को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करते हुए नजर आए। वहीं वह अपने भाषणों में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को बीएसपी नेता को लेकर जमकर सुना रहे थे। बीएसपी नेता का न्याय दिलाने के लिए एक रैली का आयोजन करने के लिए रंजीत पर एक पुलिस केस भी हो गया था। उनकी फिल्म थंगालन को बॉयकॉट करने की मुहिम भी चलाई गई थी, लेकिन यह फिल्म काफ़ी जोरों शोरों से रिलीज हुई जिसने अभी तक
करीबन 100 करोड़ का बिजनेस भी कर चुकी है और 6 सितंबर को यह हिंदी में रिलीज होने वाली है। दर्शकों में काफ़ी खुशी की लहर दौड़ रही है। वह चाहते हैं कि पारंजीत बहुजन समाज के इतिहास पर ऐसी फिल्म और भी आगे लेकर आए, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध का बौद्ध धर्म भारत से जो नष्ट किया गया उसके पीछे क्या साजिश रही, यह इस फिल्म में आपको सीधा सीधा साफ साफ दिखाई दे सकेगा। इस फिल्म के अंदर बौद्धों के ऊपर होने वाले अत्याचारों से जुड़ा हुआ इतिहास भी आपको देखने को मिलेगा। इस फिल्म पर आपकी क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहिए BH News Network। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।